संतोष संतोष, दर्द तो है। जब रिपोर्ट के हिसाब से सब कुछ ठीक है तो तकलीफ क्यों हो है? मैंने वो डॉक्टर ने बिना चश्मा लगाए पड़ी होगी रिपोर्ट, छूट गया होगा कुछ ना कुछ। वो रिपोर्ट सूरज की बिंदनी से पढ़ो। नहीं नहीं, ठीक है, तू पूजा कर ले, फिर जाएंगे दवाखाने में। वो तकलीफ हो रही संतोष, अरे कट्ठे जा रहे हो बेटा। गलती हो गई मुझसे। गोदाम जा रहा हूँ बाबा साहब, क्योंकि जो भाई खाते हैं सारे भर गए हैं। भर गए लगता है। ऐसे जाएगा तो हाथ से गिरेंगे ही ना। मीना बीनणी जी, भाबो जा थैला लेकर आ, ये सारा भाई खाता उसी में डालकर ले जाएगा। जी भाबो। सुन, वो जो कल नया थैला सिया था ना, वो ले आना। नया थैला? क्यों है रे, थैला लाने के लिए कहा है? जंगल से शेरनी के बच्चे उठाकर लाने के लिए नहीं? नहीं नहीं बाबू, नए थैले की क्या जरूरत, अपने हाथों से उठा लेती हूँ, मैं चलती हूँ। थैला सिया नहीं ना तूने? थारे से कोई काम कदे होवे है के बीनी? काली कहा था मैंने कि थैला जुबान से नहीं हाथ से सिया जावे। थारा हाथ तो सिर्फ रोटी तोड़कर पेट भरने के लिए ही चले है, तू तो रहने दे। विक्रम तू जा, तू टाइम खोटी ना कर, जा। ठीक है बाबू। कहाँ है मारो थैला? रे खड़ी खड़ी क्या देख रही है, कहाँ है वो थैला? जा जा ला कर दे मने, मैं बारिश सी दूंगी। नहीं नहीं भाबू, आप क्यों सियोगी? सियूंगी तो मैं, और सचमुच बताऊं इस बार पक्का सियूंगी, और ये वाला जो पक्का है ना वो सचमुच वाला पक्का है भाबू। रेंट तेरा कच्चा पक्का सब देख चुकी हूँ मैं हर समय। रे जिसने तुझे 9 महीने पेट में रखकर पाला होगा ना, वो ना जानती होगी तुझे इतना जितना मैं जानती हूँ। जा ला कर दे मारो थैलो। लाई बाबू, अभी लाई। रे राम जी, बाबू यही तो रखा था, जाने कहाँ गया। मौसम ऐसा है बीनी कि सर्दी में कपड़ों के पैर निकल आ, दौड़ गया होगा कहीं। मारो मुंडो के देख रही है, जा जाकर ढूंढ कर ला। चतुरी चतुरी, मारे पर एक एहसान करेगी, कह दे कि थारे को पता है कि मारा थैला किधर है, वो हरे रंग का पीले फूल जिसमें थे। अरे हाँ भाभी, एक हरे रंग का थैला देखा तो था मैंने, पर उसमें फूल न थे, मुरझा के झड़ गए होंगे, है ना? निकम्मी। बाबा साहब, आपने देखा मारा थैला? अरे बिंदनी, दरवाजे से हाथी भी घुस गया तब भी ना दिखे मने, तो थारा थैला कहाँ से दिखेगा? हे मारा राम जी, कर्म फूट गया है मारा। एक लंगड़ो एक काणी, मैं एकली सैनी, रे किस किस ने संभालू, मने ढूंढना पड़ेगा। बना तो बहुत अच्छा है, भाबो को भी अच्छा ही लगना चाहिए, उनके जैसे डाके तो लगाए हैं। भैया इसमें डाल दो सारी सब्जी। भाबो मैं सब्जियां ले आई, लगेगा भाबो को। ये दवाइयां यहां क्यों पड़ी हैं? पहले मैं थैला देकर आती हूं भाबो को।
ले बेटा चाय। पक गयो दिखे, पट्टी न करवाई ना चल रहा होगा। नहीं बाबू, वो मैं पट्टी मैंने ध्यान है तारी आदत को, खुद की ना पड़े दूसरा की फिक्र करे, खुद बेड़ा दबाकर बैठ जाएगा पर किसी से ना कहेगा। और थारी बीनी उसे तो बिना कहे कुछ समझ में ना आवे, भगवान ने जब उसे बनाया था ना तो सारा टाइम उसका दिमाग बनाने में ही खर्च हो गया होगा, दिल तो चलती चलती में निपटा दियो। नहीं बाबू, वो मैंने उन्हें बताया ही नहीं कि मेरे चोट लगी है। बेटा बताया तो तूने चतुरी को भी ना था, पर कैसे उसे थारी चोट दिखी और दौड़ कर गई दवा लेकर आई, और इससे में क्या लगे वो नौकर और तू मालिक। बीनड़ी जिसे जीवन संगनी कहवे, जो जीवन भर साथ देवे, काहे साथी वो थारो, एक छोटी सी चोट ना देख पाई वो काई प्यार करेगी, रे प्यार तो वो होवे के बीन ने जोधपुर में छीकावे और उदयपुर में बीननी की नींद खुल जावे। पर काई करो, किस्मत में जो लिखा है बेटा वो ही होवेगा ना। ना बाबू। आइए बीननी सा, आइए आइए मारे सूरज की जीवन संगनी जी। सूरज सारे दिन दुकान पर रह करके भी थारा हलवा, थारा आंसू, थारी पढ़ाई सब ने समझ सके, पर तू तब भी ना समझ पाई। रे मारी सुपात्र बीननी, एक कमरे में रह करके भी बींद के दर्द को ना समझ सके, कैसे ना दिखी तने चोट, आंखें तो इतनी मोटी मोटी लेकर घूमे हैं एक बार में काजल की डिब्बी पूरी खर्च हो जावे। फिर देखी कैसे नहीं इसकी चोट, या देखकर अनदेखा कर गई। ओ, 14वीं पास है ना अखबार में, फुट्टू वाली 14वीं पास, 9वीं पास के पैर कैसे छुएगी। बाबू ऐसी बात नहीं है, इनकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर मुझे बीननी इज्जत जुबान से ज्यादा कर्मों में निजर आवे। माना माना तो इसकी बहुत इज्जत करे, फिर थारी बींद की चोट कहीं आने देखी था ने, रे कुंड से ऐसे ब्रह्मा जी को हवा देने में लीन हो गई थी तू, जो अपने बींद पर ध्यान न दिया। ना मिला गलती थारी ना है, गुनेगार हूं मैं इसके, पक्के वह ना कि जल्दी जल्दी में बनाई हुई चोटी में भी गांठ रह जावे। फिर मैंने तो जल्दबाजी में थारे लिए इसी लुगाई लेकर आ गई जो थारू ध्याने को नहीं रख सके। जीवन संगनी कहवे इसे, पर संग का मतलब ना पता है।